खबर रीवा जिले से है, जहां किसानों को आगामी फसल की बोनी के लिए खाद का लगातार वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने खाद वितरण की निगरानी के लिए राजस्व तथा कृषि विभाग के अधिकारी तैनात किए हैं। निजी खाद विक्रेताओं से भी विपणन संघ के डबल लॉक से खाद की बिक्री कराई जा रही है। सहकारी समितियों द्वारा अब तक 6582 टन यूरिया तथा 7906 टन डीएपी का वितरण किया जा चुका है। सहकारी समितियों में 9 नवंबर की स्थिति में 2523 टन यूरिया तथा 2288 टन डीएपी उपलब्ध है। जिले को खाद की रैक लगाकर प्राप्त हो रही है। इस संबंध में उप संचालक कृषि ने बताया कि खाद वितरण की सतत निगरानी की जा रही है। किसानों को बिक्री के लिए 266.70 रुपए प्रति बोरी यूरिया तथा 1350 रुपए प्रति बोरी डीएपी की दर निर्धारित की गई है। इस आशय के बोर्ड तथा बैनर सभी खरीदी केंद्रों में लगाए गए हैं। निर्धारित दर से अधिक दाम मांगने पर किसान भाई व्हाट्सएप नंबर पर तत्काल सूचना दे, अधिक दाम लेने वाले पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। विकास खंड रीवा में गोपाल प्रसाद पाठक मोबाइल नंबर 7987113853, रायपुर करछुलियान शिव कुमार पांडे 9589082263, सिरमौर बीपी सिंह 8319439334 तथा जवाब विकास खंड के किसान महेंद्र प्रताप सिंह को 6263419798 मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकते हैं। इसी तरह विकास खंड त्योथर में टीआर त्रिपाठी 8717875151, नई गढ़ी तथा हनुमना में आरडी मिश्रा 9589358007, मऊगंज राजेंद्र सिंह 8319970605 तथा गगेव में कृष्ण सरल 7697853507 मोबाइल नंबर पर सूचना दे सकते हैं। कहीं से भी घर बैठे आप अपना फॉर्म से कम से कम फॉर्म एक जो है वो अपलोड कर सकते हैं और उसका निराकरण होगा। जो डीएलओ जाते हैं उनको भी जिस दिन वो इकट्ठा करते हैं फॉर्म उसी दिन उनको गर्वा ऐप पे अपलोड करना, तो हमारे लिए वो ऑप्शन खुला हुआ है मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो बच्चों में जब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको वोटर ऐप और गरुड़ ऐप की बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए ताकि वो खुद अपना नाम जोड़ने के लिए। जेंडर रेशियो में हमारा जो जेंडर रेशियो है उस वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, हमारा जो मतदाता सूची का जेंडर रेशियो वो बराबर नहीं है, वो महिलाओं के लिए 5% इसी दो पर हम लोग इस बार प्रशासन ये कर सकते हैं। ग्रामीण जो है वो कहीं से भी घर बैठे आप अपना फॉर्म से कम से कम फॉर्म एक जो है वो अपलोड कर सकते हैं और उसका निराकरण होगा। जो डीएलओ जाते हैं उनको भी जिस दिन वो इकट्ठा करते हैं फॉर्म उसी दिन उनको गर्वा ऐप पे अपलोड करना, तो हमारे लिए वो ऑप्शन खुला हुआ है मोबाइल ऐप के माध्यम से। तो बच्चों में जब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि उनको वोटर ऐप और गरुड़ ऐप की बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए ताकि वो खुद अपना नाम जोड़ने के लिए।